नमस्कार दोस्तों, रिएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और साइंस टेक के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिजिटल इनइक्वालिटी को शामिल किए हैं। डिजिटल इनइक्वालिटी या डिजिटल डिवाइड, अगर हम इसके हिंदी जो है वर्जन को देखने का प्रयास करें तो इसे हिंदी में अंकीय असमानता कहा जाता है। अंकीय असमानता, अंकीय असमानता। अंग्रेजी और हिंदी के कुछ ऐसे भी शब्द बने हुए हैं जिसमें अंग्रेजी के ही जो है वर्जन ज्यादा आसान प्रतीत होते हैं, क्योंकि अगर किसी से सीधा बोल दिया जाए कि अंकीय असमानता ज्यादा है तो इसका मतलब समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन डिजिटल इनइक्वालिटी को समझना उसकी अपेक्षा आसान है। इसके पूर्व में हम लोग इनइक्वालिटी या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात हमेशा से जो करते और देखते आए हुए हैं। असमानता यानी कि समाज में कई आधार, सामाजिक आधार पर, शैक्षिक आधार पर लोगों के बीच में जो विभेद होता है वो असमानता की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो है आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाले लोगों के बीच में जो आय के आधार पर असमानता होती है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के अंतर्गत, आर्थिक असमानता के अंतर्गत आता है। और मार्क्स ने अपने विश्लेषण में आर्थिक असमानता पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है और इस बात को भी जो है समर्थन उसने किया है कि आने वाले समय में, जब उसने विचारधारा दिया था कि आने वाले समय में रोजगार के लिए जो प्रयास कर रहे हैं यानी कि श्रमिक वर्ग, जिसे उसने सर्वहारा वर्ग कहा था, उनके लोगों का इतना शोषण होगा कि एक लिमिट के बाद वो पुनः पूंजीपति वर्ग, जिनको बुर्जुआ समाज कहा जाता है, के खिलाफ आंदोलन करेंगे और समाज को उलट देंगे और यहाँ पर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा। तो मार्क्स की जो गतिविधियाँ थी वो कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण और आर्थिक असमानता पर आधारित है। अब इसी से आगे बढ़ते हुए आज की दुनिया में जो है पोस्ट मॉडर्न ईरा जिसको कहा जाता है, उत्तर आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि दुनिया में समस्त गतिविधियां जो हैं वो आभासी दुनिया में संचालित हो रही हैं, भौतिकता से उसका कोई मतलब नहीं है। सूचनाएं केवल स्क्रीन के माध्यम से एक दूसरे को जो है भेजी जा रही है और प्राप्त की जा रही है, और ऐसी दुनिया जो है आभासी दुनिया कहलाती है, और जिसे हम एक वर्ड के रूप में अगर देखें तो डिजिटल शब्द से जो है उच्चारित करते हैं, प्रोनंसिएट करते हैं। जो है भारत एक बड़ा देश है, यहाँ की गतिविधियाँ आज के डेट में डिजिटली हो रही हैं। डिजिटल इंडिया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यालयों, विभिन्न प्रकार के जो है उद्योग और सेवा क्षेत्र में आर्थिक कार्यों को पेपरलेस करके डिजिटल बनाने के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है। इवन कि हमारे आज की डेट में पेमेंट भी जो है डिजिटल किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है डिजिटल इनइक्वालिटी की बात और इस पर चर्चा जो है बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर डिजिटल इनइक्वालिटी के वास्तविक अर्थ को अगर हम समझने का प्रयास करें तो यह कहा जा सकता है कि समाज में लोगों के बीच में एक ऐसा अंतर जो कि उनके विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंटरनेट के द्वारा दुनिया के विभिन्न प्रकार की सूचनाओं तक पहुँचने के बीच में अंतर पैदा करता है, वह स्थिति ही डिजिटल इनइक्वालिटी कहलाती है। अब इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डिवाइस है, एक जो है माध्यम है, एक जो है उपलब्धता है। तीन चीजें आती हैं इंपॉर्टेंट। डिवाइस का मतलब, जैसे मान के चलिए अगर हम इस दुनिया में आना चाहते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, तो डिवाइस का मतलब आपके पास एंड्रॉयड सेट है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया जाता है और उस पर हम विभिन्न प्रकार के आभासी कार्य, जिसे कहा जा सकता है, या डिजिटली वर्क को हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ माध्यम के रूप में आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट कि हमें इस डिवाइस को जो है विभिन्न प्रकार के वेब पेज पर उपलब्ध सूचनाओं तक पहुंचने में जो है सक्षम बनाता है। और उपलब्धता का तात्पर्य यहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो है अवेलेबिलिटी ऑफ जो है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, विश्वसनीय सूचनाओं की उपलब्धता। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि विभिन्न प्रकार के देशों में अगर हम वर्ल्ड में देखें तो चाइना भी उस श्रेणी में आता है,
उत्तरी कोरिया श्रेणी में आता है और कई ऐसे देश हैं जहां पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को बैन कर दिया जाता है, लोगों की वहां तक एक्सेस नहीं हो पाती है। तो इन दोनों के होने के बावजूद भी जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए ये तीनों कारक इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डिवाइस होना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, उस पर इंटरनेट की उपलब्धता होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए और इसके माध्यम से उस देश में बेज पेब पर उपलब्ध सूचनाओं को लोगों तक पहुंचने की छूट और उपलब्धता होनी चाहिए। इसके माध्यम से जो लोग डिजिटल इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं और डिजिटली अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि डिजिटल इनइक्वालिटी वह स्थिति होती है जहां समाज में कुछ वर्गों के पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जिसके माध्यम से वो किसी सूचना तक पहुंचकर अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसा वर्ग होता है जिसके पास इस तरीके की सुविधाएं नहीं होती हैं और वो देश दुनिया की होने वाली सूचनाओं से अपने आप को काट देता है। अब ये जो है जो डिजिटली स्ट्रांग या स्ट्रांगनेस की बात की जाती है वो डिजिटल इनइक्वालिटी को किस तरीके से प्रभावित करता है, इसके लिए बेसिकली चार महत्वपूर्ण फैक्टर यहां पर नजर आते हैं। एज है, एरिया है, एजुकेशन है और इनकम है। एज है, एरिया है, एजुकेशन है और इनकम है। एज, एरिया, एजुकेशन और इनकम। अगर हम एज की बात करें तो युवा वर्ग में कहीं ना कहीं जो है एक निश्चित आयु से ज्यादा उम्र के लोगों की अपेक्षा ज्ञान ज्यादा होता है, उनके पास किसी चीज को सीखने की क्षमता ज्यादा होता है, उनका एप्टीट्यूड लेवल अच्छा होता है और जिसके माध्यम से वो अपने आप को डिजिटली स्ट्रांग कर लेते हैं। एक 10 साल पूर्व की अगर बात किया जाए, 15 साल पूर्व की बात किया जाए तो जो जानकारी जो है 25 से 30 साल उम्र के लोगों को होती थी, आज की डेट में वही जानकारी अगर डिजिटली देखा जाए, इंटरनेट की दुनिया का देखा जाए, मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम की देखा जाए तो वो 12 से 14 साल की उम्र के लोगों को हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें एज फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसा समूह जो कि कम एज में है, पढ़ाई के दौर में है, सीखने के दौर में है, वो डिजिटली ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो कहीं ना कहीं एज के आधार पर डिजिटल इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है। तो एक आधार जो है एज बनता है, दूसरा जो आधार है वो एरिया बनता है। अगर हम इसमें अर्बन और जो है रूरल को ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं अर्बन के लोग जो है शहरी क्षेत्र के लोग डिजिटली जो है स्ट्रांग होते हैं और रूरल एरिया के लोग जो है डिजिटली जो है कमजोर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि इंटरनेट की सुविधा ना हो, वहाँ पे इस तरीके के जो है कार्यों में रुचि ना हो, वहाँ पे ऐसा कल्चर डेवलप ना हो, संस्कृति का अभाव हो या इस तरीके की आर्थिक गतिविधियाँ संचालित ना हो रही हों, क्योंकि जब इससे संबंधित डिजिटल वर्क जो है परफॉर्म होगा तभी वहाँ पे इन सभी चीज़ों के सुविधाएँ होंगी और इन सभी चीज़ों पर लोग काम करेंगे और इन सभी चीज़ों की नॉलेज और ज्ञान में वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं एरिया भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है। एजुकेशन नो डाउट डेफिनेटली, अगर कोई साधारण और सामान्य शिक्षा लेता है और एक टेक्निकल एजुकेशन लेता है, प्रोफेशनल एजुकेशन लेता है, जैसे बीटेक का स्टूडेंट जो है सामान्य बीए के रूप में स्नातक करने वाले स्टूडेंट से ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज रखता है, ज़्यादा अपने आप को डिजिटली एक्सेस कर सकता है और स्ट्रांग होता है, तो एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये तो एजुकेशन के क्षेत्र में दो आयाम हो सकते हैं, एक तो पढ़ाई में ही सामान्य पढ़ाई और टेक्निकल पढ़ाई और दूसरा एजुकेशन में जो है एक जो है शिक्षित और एक अशिक्षित वर्ग में। तो अशिक्षित वर्ग डेफिनेटली डिजिटली बहुत ही पीछे होता है और शिक्षित वर्ग उसमें ज़्यादा आगे होता है। इनकम भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम बहुत कम है तो निश्चित तौर पर वो कंप्यूटर की सुविधा और बहुत ही महंगे महंगे जो है डिवाइसेस को नहीं इंस्टॉल कर सकता और ऐसी स्थिति में वो देश दुनिया से नहीं जुड़ सकता। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो है इनकम भी आता है। तो इनकम के रूप में जो ज़्यादा जो है मजबूत होते हैं वो डिजिटली ज़्यादा जो है स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी होती है। जब इसका कोई
फैक्ट टू फैक्ट कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा होती है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट जो है बेस रहे हैं जिसके कारण से डिजिटल इनइक्वालिटी बढ़ती है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि इस फील्ड में, जबकि आज के देश में पूरी दुनिया में जो है डिजिटली कार्य किए जा रहे हैं और भारत में भी डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, तो सरकार के लिए इस तरीके की गतिविधियां आयोजित होनी चाहिए, कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए जिससे कि डिजिटली इनइक्वालिटी को कम किया जाना संभव हो सके। सरकार के द्वारा कौशल विकास के कार्यक्रम भी इस दिशा में संचालित किए जा रहे हैं। यद्यपि अभी भी देश के बहुत कम जनसंख्या को इसमें जोड़ा जाना संभव हुआ है, लेकिन इसमें सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 15 साल और आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज उसमें कम से कम 5 गुना लोगों की संख्या ऐसी बढ़ी है जिनके पास एंड्रॉयड सेट है, जो आज इंटरनेट के माध्यम से देश दुनिया की सूचनाओं तक पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से इसका अनुपात बढ़ रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इंडिया डिजिटली स्ट्रांग होगा और डिजिटल इनइक्वालिटी के गैप को पाटने में जो है अपने आप को जो है सफल बना लेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि डिजिटल इनइक्वालिटी से संबंधित आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रारंभिक परीक्षा साक्षात्कार के साथ साथ जीएस के मेंस के पेपर के लिए ये टॉपिक समान रूप से उपयोगी है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको जो समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक के साथ साथ अपने अन्य टॉपिक का भी आप अध्ययन करते रहिए। पुनः अगले लेक्चर में इसी तरीके से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।